नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कासगंज में महिला अधिवक्ता के अपहरण और हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आजमगढ़ में इस घटना का विरोध में महिला वकीलों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा और न्याय की मांग करते हुए ये महिला अधिवक्ता दीवानी कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंची। जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें जल्द ही जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। महिला अधिवक्ताओं ने गुरुवार को दीवानी कोर्ट में से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में न्याय की उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उनका कहना है कि कासगंज की इस घटना से न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। महिला अधिवक्ता विमला यादव ने कहा कि सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले में का त्वरित कार्रवाई हो और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिला वकीलों ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो उनका आंदोलन और भी तीव्र होगा। उनका कहना है कि न्याय के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता उषा यादव नई ने कहा कि यह सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, यह पूरे न्यायिक स्वतंत्र की बात है। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका। अच्छा, आज आप लोग मैदान सड़क पे आई हैं, उतरी हैं, क्यों मजबूर होकर उतरी हैं? हम लोग उतरे हैं मजबूर होकर कि इसके लिए कि आज ये दिन समाज में महिलाओं के ऊपर जो भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आज हमारे यहाँ कासगंज की एक महिला जो है कल उसकी 2:30 बजे जो है अपहरण हुआ और 5 बजे उसकी लाश मिली है। मोहिनी तोमर अधिवक्ता थी। अब किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, अगर शासन प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई, अगर वो जागरूक रहे होते तो अपराधी तत्काल पकड़े गए होते और आज तक हाँ ये घटना ही नहीं होती। कचहरी और दीवानी परिसर से, इसलिए हम लोग जी कासगंज दीवानी परिसर से उनका अपहरण हुआ है और जो है उनकी 5 बजे लाश मिली है। हम लोग उन्हीं के न्याय दिलाने के लिए हम महिला इकट्ठा हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द त्वरित जो है उनको सजा मिले और हमारी मोहिनी स्वर्गीय अधिवक्ता को न्याय मिले। और हमारे लिए भी ये किए है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। आए दिन हम लोग भी आते जाते हैं, हम किसी पे भी घटना ऐसी हो सकती है, क्या कहीं कोई महिला सुरक्षित है? अभी आपने देखा ही कलकत्ता में, बंगाल में एक जो डॉक्टर की हत्या हुई और उसके साथ कितना जघन्य तरीके से जो है रेप हुआ और उसकी लाश किस किस तरह से क्षतिग्रस्त मिली है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही समाज के समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के जो है हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं। दिन भर न्यायिक कार्य से विरत, हम लोग आज दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं इनके संवेदना में व्यक्त करने के लिए। ये क्या आंदोलन चलता रहेगा या जी? हाँ, हम लोग जो है अगर यहाँ से अगर कुछ मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया या DM साहब ने कोई वहाँ हम लोग की सूचना नहीं दर्ज कराई तो हम लोग जा करके लखनऊ तत्काल उनसे जा करके जोगी से मिलेंगे और उनसे न्याय की मांग करेंगे। और अब हम लोग कलमबंद भी हड़ताल करने वाले हैं अगर न्याय नहीं मिला तो। विमला यादव, और ये जो कल कासगंज दीवानी बाग में ये घटना हुई है, मोहिनी तोमर जी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इस तरह का मैं सोचती हूँ कि हमारी रूहें कांप जा रही हैं सोच के। आज हम लोगों को, महिला अधिवक्ताओं को सड़क पर निकलना पड़ रहा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। हम जो दूसरों का न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज हम खुद न्याय मांग रहे हैं। जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अधिवक्ता के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि त्वरित कार्रवाई करें और अधिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो हम बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।